हेलो फ्रेंड्स दिस इज दीपक सिंह एन ऑन बिहाफ ऑफ ए टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द टॉपिक ऑफ डिप्यूटी स्पीकर अब इस पॉलिटी के टॉपिक को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि रिसेंटली अभी हिंदू न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था जिसमें ये लिखा गया था कि parties पार्टीज ने प्रेजेंट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कराया है कि आपने अब तक डिप्यूटी स्पीकर को की पोस्ट को अलाउ क्यों नहीं करा है स्पीकर ने कोई इलेक्शन क्यों नहीं कंडक्ट करा है क्यों नहीं उसको अपॉइंट करा गया है आठ से ऊपर दिन हो गए हैं पर अब तक स्पीकर अभी तक नहीं है तो इस बारे में कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी महाराष्ट्र में भी इनफैक्ट महाराष्ट्र की असेंबली में है वहां पर भी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है क्योंकि दो महीने पहले एक आर्टिकल आया था कि जो उनका मॉनसून सेशन हुआ था उसमें स्पीकर था ही नहीं पर आज का हमारा फोकस है डिप्यूटी स्पीकर पे तो इस कंटेक्स में हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे इन ए थ्री सी अप्रोच जैसे मैं करंट डायमेंशन तो मैंने आपको बता दी है ये आपका कंटेम्प्रेरी डायमेंशन है दूसरा आई विल बी कवरिंग इन वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर कि कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कितनी टाइम लिमिट के अंदर स्पीकर या डिप्यूटी स्पीकर को इलेक्ट कर देना चाहिए साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या प्रोसेस रहता है कौन सी पार्टी से होता है अपोजिशन पार्टी से होता है या नहीं होता पहला डिप्यूटी स्पीकर कौन था और जो भी रिलेटेड डायमेंशन है उन सबको कवर करूंगा बट इन अ वेरी कंसाइज मैनर सो दैट विल बी दी सी अप्रोच कॉम्प्रेहेंसिव कंसाइज एंड कंटेम्प्ररी सो विद दिस स्टार्ट द टॉपिक ऑफ डिप्टी स्पीकर तो मैंने आपको बताया था कि हिंदू न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल आया था लॉन्ग वेट फॉर डिप्यूटी स्पीकर फॉर लोकसभा तो इसमें अभी तक नहीं है आपका बताया था इनफैक्ट क्योंकि तो जो कांग्रेस ने जो पिटिशन फाइल करी थी तो डेही हाईकोर्ट गई थी और डेली हाईकोर्ट ने फिर यूनियन गवर्नमेंट ने कहा था पेटिशन में कहा है कि नॉन अपॉइंटिंग द पोस्ट ऑफ द डिप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा ज वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 93 थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन में यह लिखा गया था कि इतने टाइम से डिप्यूटी स्पीकर की पोस्ट वायलेट नहीं करी जा रही तो उन्होंने जो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्रिटिसाइज करा है कि आप सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन को वायलेट कर रहे हैं आपने लीडर ऑफ अपोजिशन अपॉइंट नहीं करा बाकी कुछ कमेटीज होती है उसमें भी ऑपोजिशन पार्टीज को नहीं ले रहे और डिप्यूटी स्पीकर की पोस्ट अब तक वेकेंट है तो ये पिटिशन में कहा गया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है सेरिमोनियल पोस्ट नहीं है ये सिर्फ डिप्टी स्पीकर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है और इंडिपेंडेंस से देखा जाएगा तो काफ़ी बार डिप्टी स्पीकर ने मेजर रोल प्ले करा है कि अगर स्पीकर का रेजिग्नेशन हो रहा है उसके अगेंस्ट एलिगेशन है अगर स्पीकर की डेथ हो गई है तो फिर डिप्टी स्पीकर आपका प्रेसाइड करता है ये हम उसकी पावर और अथॉरिटी के बारे में उसके रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे डिप्टी स्पीकर स्पीकर के सबॉर्डिनेट नहीं होता दोनों ऑलमोस्ट इक्वली होते क्योंकि दोनों आपकी जो हाउस के जो मेंबर्स हैं वो अपॉइंट करते हैं इट्स नॉट सबॉर्डिनेट टू द द द स्पीकर अगेन आई वुड से तो यही ने कहा था कि पोस्ट ऑफ स्पीकर इन द करंट लोकसभा हैज बीन फॉर द डेज तो 800 से ऊपर दिन हो गए हैं और डिप्यूटी स्पीकर को अपॉइंट नहीं करा गया और जून और जुलाई के महीने में आई गेस तो वहां पे एक हिंदू में आर्टिकल आया था कि महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली तो वहां पे भी एक साल से ऊपर हो गया कि स्पीकर ही नहीं है डिप्यूटी स्पीकर छोड़िए स्पीकर ही नहीं है तो उनका जो सेशन होता विदाउट स्पीकर हुआ था तो इस मामले में कुछ ना कुछ इस साल के लिए या फिर नेक्स्ट ईयर के के लिए क्वेश्चन आ सकता है तो अब हम पढ़ते हैं क्या है। so, अगर की बात करें तो आर्टिकल नाइनटी फॉर लोकसभा एंड आर्टिकल वन फॉर स्टेट असेंबली ये आपके आर्टिकल असेंबली या फिर आपकी लोकसभा के लिए तो ये कहते हैं कि दीज हाउस एज सुन एज मे बी

सेशंस के बारे में कहा जाता है कि इतना टाइम नहीं होना चाहिए पर स्पीकर के बारे में कुछ नहीं कहता तो ये कहता है कि स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर होना चाहिए तो यानी कि ये भी शो करता है कि डिप्यूटी स्पीकर इज नॉट अ कन्वेंशनल बाय कन्वेंशन नहीं है ये एक आपकी कॉन्स्टिट्यूशन uh, में है डिप्यूटी स्पीकर तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन है बट टाइम लिमिट के बारे में कुछ कहता नहीं है जैसे मैं आपको कह रहा था द कॉन्स्टिट्यूशन नाइदर सेट्स अ टाइम लिमिट नॉट स्पेसिफाइज द प्रोसेस फॉर दिस इलेक्शन तो ये लेजिस्लेचर के ऊपर छोड़ देता है कि आप अपने रूल कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग ही टाइम लिमिट या फिर जो इलेक्शन प्रोसेस है वो डिटरमाइन करेगा तो टाइम लिमिट कुछ नहीं कहता अगर इसके ऊपर एक एमसीक्यू आ जाता है टाइम लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द पोस्ट ऑफ स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर इसी वजह से वो प्रॉब्लम आई है वरना तो ना आती और ना प्रोसेस के बारे में कुछ कहता है तो जो रिस्पेक्टिव लेजिस्लेचर है यानी कि लोकसभा या फिर आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली दे विल डिसाइड वेंट एंड हाउ टू होल्ड दिस इलेक्शन

क्रिटिसाइज करा था कि लोकसभा. Then, तो पास में भी ऐसे इंसिडेंट्स हुए हुए जैसे ट्वेल्थ लोकसभा में कहा जाता है उसमें भी बहुत ज्यादा टाइम लग गया था पर उसके बाद भी फिर भी जो आपकी लोकसभा की फिफ्टी नाइन सेटिंग थी उसमें वहां पे इलेक्शन हो गए थे डिप्यूटी स्पीकर के पर अभी तक यहां पे अभी जो प्रेजेंट लोकसभा चल रही है उसमें नहीं हुआ तो ये टाइम लिमिट है अब हम बातें करते हैं इलेक्शन प्रोसेस की तो टाइम लिमिट मैंने बता दिया था और साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि कोई प्रोसेस नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं कहता कैसे होना चाहिए तो बट बाय कन्वेंशन या जैसे है तो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर में क्या होता है द प्रेजिडेंट एंड द गवर्नर प्रेजिडेंट इन द केस ऑफ आपकी लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर के केस में गवर्नर दे सेट ए डेट फॉर द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर

रूलिंग पार्टी से ही होते हैं ताकि वो चाहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है उसकी उनके कंट्रोल में रहे तो आपका जो स्पीकर है वो डिसाइड करता है आपका कि डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन कब होगा और स्पीकर आपका कौन अपॉइंट करते हैं आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब आपकी जो पार्टी पावर में है वही बाय कन्वेंशन आपकी अपना स्पीकर अपॉइंट करती है तो यानी कि इस केस में देखा जाएगा जो बीजेपी के जो अभी स्पीकर uh, अपॉइंट करा हुआ है तो वो उन्हीं की मानेंगे तो उन्होंने अब तक डिप्यूटी स्पीकर का कोई इलेक्शन होल्ड नहीं करा है डिप्यूटी स्पीकर क्योंकि बाय कन्वेंशन चल रहा है कि अपोजिशन पार्टी से होना चाहिए तो एलिगेशन ये है इट माइट बी ट्रू इट माइट नॉट बी ट्रू कि बीजेपी नहीं चाहती ये अपोजिशन पार्टीज कह करी आई एम नॉट सी दिस बट अपोजिशन पार्टीज आर सींग दिस दैट द बीजेपी डजेंट वॉन्ट द अपोजिशन पार्टी टू होल्ड द

जो आपके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद करने वाले वो ये है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर इन द केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर दे डिसाइड द डेट फॉर द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर की जो डेट डिसाइड करता है वो स्पीकर खुद करता है तो देखा जाए तो गवर्नमेंट जो पावर, पार्टी पावर पार्ट में है वो ही एक तरीके से डिसाइड करती है अब कौन सी पार्टी मैंने स्पीकर के बारे में तो बताया था कि बाय कन्वेंशन जो आपका है वो रूलिंग पार्टी आपका

बट मोस्टली आपकी कांग्रेस ने ही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की पोजीशन आपकी होल्ड करी थी फिफ्थ लोकसभा में अगर हम बात करें हु टर्म वाज एक्सटेंडेड ड्यू टू इमरजेंसी एन इंडिपेंडेंट मेंबर श्री जीजी स्वेलफ वाज इलेक्टेड टू द डिप्टी स्पीकर तो यानी कि आपकी जो फोर्थ लोकसभा थी तो तब तक आपके स्पीकर और डिप्टी स्पीकर आपका एक ही रूलिंग पार्टी से होता था यानी कि कांग्रेस फिफ्थ लोकसभा में जब इमरजेंसी भी एक्सटेंड हुई थी तब एक इंडिपेंडेंट मेंबर को, अपोजिशन पार्टी को नहीं इंडिपेंडेंट मेंबर को, निर्दलीय जैसे कहते हैं जी जी सुल थे उन्हें डिप्यूटी स्पीकर अपना अपॉइंट करा गया था एंड देन ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द प्राइम मिनिस्टर देसाई गवर्नमेंट द कन्वेंशन और ट्रेंड स्टार्टेड दैट द पोस्ट ऑफ द डिप्यूटी स्पीकर शुड गो टू द अपोजिशन पार्टी तो मुरारजी देसाई के टाइम पे ये ट्रेंड शुरू हुआ था तो ये भी एमसीक्यू काफी इंपॉर्टेंट बन सकता है यहां पे पूछ सकते हैं और देखा जाए तो जैसे अगर आज के कंपैरिजन में देखा जाए कि बीजेपी के पास तो इस टाइम पे पूर्ण बहुमत है आपकी लोकसभा में तो ये कहा जाता है कि नाइनटीन में जब राजीव गांधी पावर आए थे और उनके पास तो ज्यादा नंबर थे उनसे भी ज्यादा नंबर थे देन इन स्पाइट ऑफ दैट इवन देन द पोस्ट ऑफ द डिप्यूटी स्पीकर पोजिशन वॉज गिवन टू अ मेंबर फ्रॉम ए आई ए डी एम के जो, के जो ट्रेडिशन शुरू हुआ था तो उसके बाद से यही चल रहा है कि is, 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 again, ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं पे में लिखा हुआ है कहीं पे कोई रूल है बाय कन्वेंशन चल रहा है अब उसकी पावर की बात करें। जो मैंने आपको कहा था डिप्यूटी स्पीकर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीकर एंड नॉट सबिनेट टू हिम एज बोथ आर इलेक्टेड फ्रॉम मेंबर्स ऑफ द हाउस

जैसे अगर हम पास में एग्जाम्पल देखें कि वैकेंसी बाय डेथ का अगर एग्जाम्पल देखें तो फर्स्ट लोकसभा में जो स्पीकर थे हमारे फर्स्ट पहले स्पीकर थे जीवी मावलंकर तो 1956 बालायोगी इन टू इन 2002 तो जब इन केसेस में स्पीकर की ऑफिस में डेथ हुई थी तब डिप्टी स्पीकर ने रोल प्ले करा था और यह भी हो सकता है जैसे अदर रीजन में अगर मैंने आपको बताया था कि द पोस्ट कैन ऑल्सो फेल वेकेंट बिकॉज ऑफ रेजिग्नेशन ज इन द केस ऑफ स्पीकर एन संजीव रेड्डी नीलम संजीव रेड्डी 1977 फॉर फाइटिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और जब हम मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया के बारे में बात करेंगे, हम नीलम के बारे में भी बात करेंगे तो नाइन नाइनटीन सेवनटी सेवन में नाइन सेवनटी सेवन में जब उन्होंने स्पीकर की पोस्ट कर दिया था फॉर फाइटिंग द प्रेजिडेंशियल इलेक्शन तब उस टाइम पर भी डिप्यूटी स्पीकर ने रोल प्ले करा था एज स्पीकर की जगह तो ये आपका पहला रोल हो गया दूसरा अगर हम बात करें When a resolution for removal of the speaker is up for discussion, the Constitution specifies that the speaker, deputy speaker, presides over the proceeding of the house. तो यानी कि अगर जो आपके लोकसभा में अगर देखा जाए एक रेजोल्यूशन लिया जा रहा है फॉर रिमूविंग द स्पीकर एज इन द केस ऑफ लोकसभा स्पीकर बलराम झाकड इन नाइनटीन एटी तो उस केस में देखा गया था कि जब रेजोल्यूशन एक हाउस डिस्कस कर रहा है फॉर रिमूविंग द स्पीकर तब वहां पे जो हाउस की जो प्रोसीडिंग्स है वो डिप्यूटी स्पीकर लीड करता है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि स्पीकर को रिमूव करने के लिए जब रेजोल्यूशन पास करा है उस मीटिंग को स्पीकर तो प्रिसाइड करेगा नहीं उस मीटिंग को तो वहां पे दूसरा रोल आ जाता है और तीसरा द डिप्यूटी स्पीकर ऑल्सो चेज कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट फॉर एग्जाम्पल अगर हम पिछले साल की ही बात करें देन एम थम्बिदुर स्पीकर ऑफ द प्रीवियस लोकसभा अगर हम प्रीवियस लोकसभा की बात करें पिछली लोकसभा की बात करें देन ही हेडेड द लोकसभा कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल एंड रेजोल्यूशन एंड द कमेटीज लुक टेन टू द एम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम तो बहुत सारी कमिटीज को भी हेड करते हैं तो ये आपके तीन मेजर रोल्स हो गए आपके अगर हम बात करें कॉन्टिन्यूटी दूसरा हो गया आपका कमेटी को हेड करते हैं और तीसरा रिमूवल ऑफ स्पीकर का जब रेजोल्यूशन होता है तब वहां पे उसको देखते हैं तब उस टाइम पे हाउस की प्रोड्यूसिंग को प्रोसीडिंग्स को डिप्यूटी स्पीकर आपका डील करता है तो ये तीन मेजर रोल हैं अगर इसके ऊपर छोटा सा अगर क्वेश्चन आ गया मेंस के लिए तो आप ये लिख सकते हैं यहाँ पे और एग्जांपल्स भी मैंने आपको कोट करे हैं कि कौन कौन से केसेस में जैसे के केस में कमिटीज का भी एग्जांपल बताया रिमूवल के केस में तीनों में मैंने आपको एग्जांपल भी कोट करे हैं अब इतना कॉम्प्रिहेंसिव आपको कहाँ पे लेक्चर मिलेगा और अगर आपको ये चीज पसंद आई हो तो लाइक बटन प्रेस करिएगा ठीक है तो ये आपकी चीज हो गई और टेन्योर की बात करें तो नॉर्मली उनकी जो टर्म होती है वो फाइव ईयर होती है फ्रॉम्बर ऑफ द लोकसभा एंड दे होल्ड ऑफिस अंटिल दिस इज टू बी ए मेबर ऑफ द लोकसभा और दे रिजाइन एंड दे कैन ऑल्सो बी रिमूव फ्रॉम दफिस फ्रॉम द ऑफिस ऑफ डिप्यूटी स्पीकर बाय रेजोल्यूशन पास इन द लोकसभा बाय इफेक्टिव मेजोरिटी क्योंकि डिप्यूटी स्पीकर लोकसभा को ही रिपोर्ट करते वो लोकसभा की डिप्यूटी स्पीकर है तो उसमें राज्यसभा का रूल तो हो, कुछ होगा नहीं एंड बायेक्टिव मेजोरिटी

तो ये आपका हो गया उनके टेन्य के बारे में बात हो गई अब हम बात कर लेते हैं प्रेलम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि पहले डिप्यूटी स्पीकर कौन थे ये तो आपको पता होगा कि पहले आपके स्पीकर कौन थे जीवी आ, मावलंकर गणेश वसुदेव मावलंकर ये तो हमारे स्पीकर थे पर डिप्यूटी स्पीकर कौन थे ये बहुत कम लोगों को पता है पर यहा एक हम आपको बता रहे सो उनका नाम था एम ए अयंगत ही वॉज द फर्स्ट डिप्यूटी स्पीकर इन द इंडियन पार्लियामेंट एंड ही वॉज इलेक्टेड इन नाइनटीन एंड आफ्टर द डेथ ऑफ जी वी मावलंकरेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ लोकसभा तो यह भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब उनकी डेथ के बाद कौन स्पीकर बने थे एम ए आंगर एंड ऑल्सो लेटर ऑन एन एस करियर गवर्नर ऑफ बिहार बिटवीन नाइनटीन सिक्सटी सेवन एंड ही प्री इंडिपेंडेंट एरा की बात करें तो नाइनटीन थर्टी फोर में ही वॉज ऑल्सो इलेक्टेड एज में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली तो फ्रेंड्स विद दिस वी हैव कवर्ड द टॉपिक ऑफ डिप्यूटी स्पीकर जो भी सारे डायमेंशन थी जो भी सारे एग्जाम्पल्स थे मैंने आपको एक ही जगह पर पढ़ा दिए हैं इफ यू लाइक दिस लेक्चर देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन शेयर इट विद एज मेनी फ्रेंड्स एज यू कैन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ एक्स एंड इज लॉन्चिंग इट्स फ्रेश फाउंडेशन बैच फॉर जनरल स्टडीज एस एंड सी सैट फ्रॉम सिक्सटीन ऑफ सेप्टेंबर एंड वी आर ऑल्सो लॉन्चिंग वेरियस ऑप्शनल बैचेस फॉर हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटिकल साइंस एंड आयर सोशियलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन And we are also present on various social media platforms like Facebook, Instagram, YouTube, and Telegram. So do subscribe to the cha these channels, and if you have any query, then please feel free to ask us via these social media channels or you can comment on the YouTube. So friends, this is Deepak Singh on behalf of AQ Bye. Thank you.